कृतिका, सॉरी मैं वो सिगरेट। त्रिविक्रम ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ ये सब नहीं कर सकते, आपको पता नहीं क्या? त्रिशूल को जो हुआ उसी की टेंशन में मैं सिगरेट पीने यहाँ चला आया। हाँ तो शिवानी जी आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है छोड़िए, त्रिशूल को लेकर घर जाना है, चलिए। I'm really sorry, Trishul. आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी गलती नहीं थी, सुंदरी बीच में आई इसलिए ऐसा हुआ, वरना आप मुझ पर भला क्यों फायर करते? That's true. वो सुंदरी पंछी बीच में नहीं आती तो सब कुछ ठीक हो जाता। Bloody rascal. उसे क्यों डांट रहे हैं आप छोटे मालिक? बेचारी वो कहीं जा रही होगी, मिस कर रही होगी बस। तुम्हें तो उसी पंछी ने बचा लिया, अगर वो पंछी बीच में नहीं आता तो हम आज तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। और मेरे जन्म का रहस्य मेरे डैड जानने के लिए इतना ट्राई कर रहे हैं, ये बात मुझे पता ही नहीं चलती। शिवानी मैडम थैंक यू, आज तो आपकी और छोटे मालिक की वजह से बच पाया हूँ। भगवान की पूजा करके उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए, उन्होंने ही इतना बड़ा संकट पार करवाया है। हाँ हाँ, आज उन्होंने इतना कुछ किया है, मुझे भी उन्हें थैंक्स बोलना है, नहीं बोला तो गलत होगा। क्या करोगे मुझे ये नहीं पता, मुझे बस शिवानी चाहिए, मैं उससे बेहद प्यार करता हूं, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। आज जैसे मेरी जान बचाई है, मेरा प्यार भी मुझे दिला दो। भगवान मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मुझे बस शिवानी चाहिए। मैं तुम्हें वक्त वक्त पे दक्षिणा भेजता रहूंगा, बस शिवानी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जानी चाहिए। कल क्या खास बात है बेटी? कुछ खास नहीं है, बस भगवान जी की छोटी सी पूजा करवानी है। पंडित जी कल क्या खास बात है? तुम्हें पता नहीं है कल उनका जन्मदिन है। ओह थैंक्स, कल शिवानी जी का बर्थडे है, उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। सिर्फ सरप्राइज ही नहीं, उनकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, कुछ ऐसा करूंगा। मालिक हमें कौन फॉलो कर सकता है? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। क्या हमारा कोई दुश्मन नहीं है? है वो नागिन, लेकिन एक सांप हमें फॉलो करके उस सीक्रेट को कैसे बर्बाद कर सकती है? हार्ड डिस्क में क्या सीक्रेट छिपा था हम क्या जानते? मतलब इस बात को छोड़ो, हमें संबा शिव के परिवार को सेफ रखने के बारे में सोचना है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स को फोन करके बता दो। जी अभी करता हूँ मालिक। कौन हमें फॉलो कर सकता है? क्या है वो सीक्रेट? क्या आदिशेष के बारे में कुछ हो सकता है? कहीं संबा को आदिशेष के बारे में कुछ पता तो नहीं चला? भाई आदिशेष तो हमें फॉलो नहीं कर रहा। शह गुरुजी बता सकते थे लेकिन वो भी नहीं मिल रहे, अब क्या करें? प्रसाद खाइए मैडम। थैंक यू। छोटे मालिक प्रसाद खाइए।
ये क्या कर रहे थे तुम? ये क्या दे रहे थे तुम मुझे? तुम मुझे भगवान का प्रसाद दोगे? शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक नौकर हो। तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। और क्या मैं तुम्हारे हाथों से प्रसाद लूंगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं छोटे मालिक? हम दोनों अलग कैसे हुए? पहले हम ऐसे ही बांट कर खाया करते थे ना। ये तब की बात थी, जरा सी ढील क्या छोड़ी, तुम तो सर पे चढ़ के नाचने लगे। त्रिविक्रम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शिवानी जी, आप बीच में मत आइए। इसे इसकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। लो लेवल का होकर भी बातें तो हाई क्लास की करता है। सॉरी छोटे मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरे लेवल के बारे में आज पता चला। त्रिशूल रुको एक मिनट, मेरी बात सुनो। मैडम, सबको अपने लेवल के लोगों के साथ ही रहना चाहिए, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। त्रिशूल, त्रिशूल। हाँ माँ। हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। हे भगवान, त्रिशूल, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी बड़ी बैंडेज, हे भगवान, क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ वो, ये कुछ भी नहीं है माँ। इतनी बड़ी बैंडेज है और कहता कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें ये चोट कैसे लगी अब बताओगे मुझे? माँ फिसल कर गिर गया। माँ झूठ मत बोलो, कहीं मालिक ने तुम्हें कुछ काम दिया और वही काम करते हुए तुम्हें चोट लगी है ना? माँ वो, मुझे पता है बेटा, तुमने उनकी मदद करने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लिया है। तुम्हारे पिताजी भी ऐसे हैं, हमेशा मालिक मालिक कह के अपनी जान देते रहते हैं, तुम भी उन्हीं की तरह हो। माँ अब मेरी इस हालत के लिए आप पिताजी को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? उनको बीच में क्यों नहीं लाऊं? आज उन्हीं के कारण तू ऐसा बना है। जब देखो तो मालिक मालिक, मालिक के घर वाले भगवान हैं, ऐसा बोलकर उनके घर पर नौकर की तरह रहने की आदत डाल लिए हो। तुम दोनों के उनके घर की ही खुशी मायने रखती है, मेरे दुख और परेशानी को पूछने वाला कोई नहीं है। पता नहीं तुम दोनों को अकल कब आएगी। माँ क्यों त्रिशूल, क्यों मुझे दुख पहुंचाते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? सॉरी माँ, अब से ऐसा नहीं होगा। हर बार ऐसे ही बोलते हो और फिर उनकी सेवा के लिए जाके तुम अपने आप को चोट पहुंचा लेते हो। माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ क्या मतलब है तुम्हारा और क्या करना चाहते हो तुम? जाओ जाओ अपने मालिक के घर जाओ, तुम वहाँ बहुत सारा काम पड़ा है ना, जाके काम करो। तुम दोनों को मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, आज के बाद नहीं जाऊँगा। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। आज के बाद मैं उस घर में नहीं जाऊँगा। क्या आज के बाद वहाँ नहीं जाओगे? हाँ माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो बड़े हैं और हम छोटे, वो अमीर हैं और हम गरीब, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, तो हमें अपनी औकात में रहना चाहिए ना माँ। लेकिन इतने दिन तक तुम कहते थे कि हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। फूल के साथ पत्ते भी भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं, मैं दोनों को एक समझ बैठा था। भगवान के चरणों में जाने से पत्ते कभी फूल नहीं बनते और उन्हें वो स्तर भी नहीं मिलता है। त्रिशूल, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, इतने साल मुझे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, अब ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें खुल गई हैं।
अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आप? त्रिशूल की क्या गलती थी बताइए? गलती क्या थी? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। त्रिविक्रम, आप दोनों इतने सालों से साथ में हो, वो आपकी इतनी मदद करता है और जिन जूतों को मैं अपने पैर में पहनकर घूमता हूँ वो भी कांटों से मेरी रक्षा करता है, तो क्या उसे भी मैं अपने सर पे रख दूँ? उसे तो जमीन पर ही रखना चाहिए ना। ये क्या त्रिविक्रम, आप ऐसी बातें? हर इंसान का एक पेशेंस लेवल होता है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो सब बिगड़ जाता है। त्रिशूल के बारे में आप मुझसे कोई सवाल ना करो तो अच्छा है। हे परमेश्वर, इन्हें क्या हुआ जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं? आखिर हो क्या गया है? तुम मुझे भगवान का प्रसाद दोगे? शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक नौकर हो, और वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। और क्या मैं तुम्हारे हाथों से प्रसाद लूंगा? आपके मुंह से कभी ऐसी बात निकलेगी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन छोटे मालिक, आपके पास पैसे हैं, ऐशो आराम है, आप जो भी चाहें उसे आप तुरंत खरीद सकते हैं बिना कुछ सोचे। लेकिन आज तक हमारी दोस्ती के बीच ये पैसों की दीवार नहीं थी। आपने खुद कितनी बार कहा है, हे, मैं तेरा मालिक नहीं हूं, मुझे छोटे मालिक मत कहा कर, त्रिविक्रम कहकर बुलाया कर। लेकिन आज आपने आपने क्या किया? आज तक दोस्त की जगह रहने वाला मैं कैसे अचानक नौकर बन गया? लेकिन आपकी सोच सही है छोटे मालिक, नौकर नौकर होता है और मालिक मालिक होता है। जीजा जी, ये आपके नाम का कुरियर आया है। कुरियर? किसने भेजा है? वही जीजा जी, आपका फ्रेंड डॉक्टर संभाषिव। डॉक्टर साहब ने मुझे एक जरूरी काम सौंपा था, मैं उसे करना चाहता हूँ। जरूरी काम क्या है वो? डॉक्टर साहब ने आप तक एक हार्ड डिस्क पहुँचाने के लिए कहा है। तुम बता सकते हो उस हार्ड डिस्क में क्या है? पता नहीं सर, कह रहे थे बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। ठीक है, कुरियर कब किया था? आज सुबह ही किया है सर, कल सुबह आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। शिव अंकल ने भेजा है, कहीं इसमें सीक्रेट के बारे में तो नहीं लिखा है? नंदीश, देखना जरा क्या है उसमें। मालिक, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यानी मेरे बर्थ सीक्रेट सारे इसी में होंगे। ये यहाँ कैसे पहुंचा? शिव अंकल मरने से पहले इतना सब प्लान बना कर गए थे। नंदीश, मेरा लैपटॉप ले आओ, देखते हैं क्या इसमें। डैड ने अगर इस हार्ड डिस्क को देख लिया तो उसके बाद उन्हें सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? त्रिविक्रम। हाँ डैड। जरा यहां ना, इस हार्ड डिस्क को कनेक्ट करो। कमाल है, डैड भी काम मुझसे ही करवा रहे हैं, आखिर ये क्या मुसीबत है? क्या सोच रहे हो, कनेक्ट करो। अरे करो ना। हाँ डैड। लगता है इस घर से मेरा जाने का वक्त आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी किसी चीज को खोना नहीं चाहता। इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहना होगा।
सॉरी डैड, वो हाथ से स्लिप हो गया। चुप। काम के वक्त दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। जीजा जी, गलती से बेचारे के हाथ से छूट गया, जाने दो ना। ए, ये कितना इम्पोर्टेंट था तुम बताओगे मुझे? जाने दीजिए मालिक, हार्ड डिस्क रिट्रीव कर लेंगे, डेटा वापस आ जाता है, हमारे अकाउंटेंट कह रहे थे। हाँ डैड, मैं इसे रिकवर कर लूंगा, बस मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। ठीक है, इस काम को ढंग से करना, समझे? सॉरी डैड, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक करवा के लाओ। ठीक है डैड। ओ डैड, आप कितने भोले हैं, कितना विश्वास करते हैं मुझ पे। आपको लगता है कि मैं आपको इस हार्ड डिस्क की डेटा ला कर दूंगा? यह आपका भ्रम है। बताओ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आपको कैसे पता मैं यहां हूं? वो मैं तुम्हारे घर गई थी, वहां से पता चला। अभी भी तुम उस मंदिर वाली बात को लेकर परेशान हो क्या? वो तो एक छोटी सी बात है त्रिशूल, उसके लिए इतना परेशान क्यों होना? देखने वालों के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरी जगह आकर सोचिए तब पता चलेगा मेरे दर्द के बारे में। मैं समझ सकती हूँ त्रिशूल, पर दोस्ती में ये सब तो होता रहता है ना, तो दोस्त की बात को लेकर ऐसे दुख होने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें पता है त्रिविक्रम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जानते हो ना? हाँ, मैं भी वही मानता था, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। त्रिशूल, कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें उन्हें भूल जाना चाहिए, ऐसे बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। त्रिविक्रम के लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार और आदर है, मैं जानती हूँ। उस प्यार और आदर की वजह से ही मैं उनकी कही बातों को भुला नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन में कभी भी ऐसा कुछ नहीं था, छोटे मालिक ने इतने सालों में कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की। कोई और अगर ऐसे बात करता तो वो खुद उन्हें चुप करा देते, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ कहा। त्रिशूल, त्रिविक्रम के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस बात को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? क्योंकि यही सच है शिवानी जी। त्रिशूल, देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, प्लीज ऐसे जिद मत करो। मैं आपकी हर बात मान लूंगा मैडम, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा, लेकिन इस विषय में आपकी बात नहीं मान सकता। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? ये जिद नहीं है मैडम, ये स्वाभिमान है। भले ही हम गरीब हैं, भले ही हम आज कमाकर आज ही खाते हैं, लेकिन हम में भी स्वाभिमान है। ठीक है, बस इस बार मेरे लिए ये बात खत्म कर दो। टूटे हुए खिलौने कभी जोड़ नहीं सकते मैडम, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। Many many happy returns of the day. त्रिविक्रम, मेरा बर्थडे है, आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। आइए पहले केक कट कीजिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shivani, happy birthday to you. Thank you.
पहले आप। विश यू हैप्पी बर्थडे। त्रिविक्रम, थैंक यू सो मच। मैं सच में बहुत खुश हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, कल होगा असली सेलिब्रेशन। कल शाम को बिना मिस किए हमारे एस्टेट आ जाइएगा, मैं वेट करूंगा। अब त्रिविक्रम, इन सब की क्या जरूरत है? ज्यादा सवाल मत कीजिए, आपको आना होगा। ठीक है शिवानी जी, अब मुझे जाना होगा, हम कल मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सुंदरी, ए सुंदरी, आज तो तुम्हारी मालकिन सुंदरी का बर्थडे है, विश किया क्या? तुमने अपने मन में साइलेंटली विश कर दिया होगा, मुझे पता है, बहुत ही प्यारी हो तुम। ए सुंदरी, इतनी साइलेंट क्यों हो तुम? ओह, सोच रही हो ना कि मैंने अब तक विश क्यों नहीं किया है? आज तो तुम्हारी मालकिन सुंदरी का बर्थडे है, उनसे मिलने के बाद आज पहली बार मुझे उन्हें विश करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो फोन पे विश करना तो ठीक नहीं होगा ना? नहीं, डायरेक्ट उनसे मिलने जाऊंगा और उनके सामने जाकर कहूंगा, शिवानी आई लव, नहीं नहीं नहीं, शिवानी हैप्पी बर्थडे, ऐसा कहूंगा। चलो चलते हैं। पहली बार विश कर रहा हूँ, खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना ही चाहिए। क्या गिफ्ट दूं सुंदरी? रोज दे देता हूं। नहीं नहीं नहीं, रोज देने के लिए मैं उन्हें प्रपोज थोड़ी कर रहा हूं। नहीं ना, और क्या दे सकता हूं? हाँ, कपड़े तो दे सकता हूं ना। छे, नहीं नहीं नहीं, वो दो दिन उसे पहनकर उसे कहीं दूर रख देंगी। और क्या प्रेजेंट दे सकता हूं? ज्वेलरी। मेरा मंगलसूत्र पहनने वाले गले में एक छोटी सी चेन तो होनी ही चाहिए। चलो ज्वेलरी खरीदने चलते हैं। अरे रे, जेब ही नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे? कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, कहां से करूं? टेंशन किस बात की, हमारे फ्रेंड है ना, मिस्टर नंदीश। हेलो मिस्टर नंदीश। मुझे एस्टेट बुलाकर त्रिविक्रम कहाँ गायब हो गया अचानक? ये क्या है, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। अरे रे, ये सब क्या अंधेरा हो गया? त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम! वो त्रिविक्रम है क्या?
सो मच। त्रिविक्रम, ये सब क्या है? इतना ग्रैंड अरेंजमेंट क्यों? इन सब की क्या जरूरत? देखिए, कोई सवाल नहीं, फर्स्ट टाइम हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्रैंड तो होना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन फिर भी ये सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत से सरप्राइज आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए फर्स्ट केक कट करते हैं। ठीक है। विक्रम, आप नो मोर टॉक्स। सरप्राइज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन त्रिविक्रम, मैं ये बता रही थी। मैंने कहा ना, नो मोर टॉक्स। क्लोज योर आईज। वो क्यों? सवाल मत कीजिए, चलिए बंद कीजिए। Open your eyes. Do you like it? पसंद आया ना? आप मुझे प्यार से जो भी देंगे मुझे पसंद आएगा। Really? क्यों? हम दोनों का प्यार सिर्फ आज का नहीं है त्रिविक्रम, जन्मों जन्मों का है। जन्मों का संबंध आप कैसी बात कर रही हैं? इन बातों पर आजकल कौन विश्वास करता है? अगर आपकी बातें कोई और सुन लेता तो आप पर हंसता। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि ये आपका पुनर्जन्म है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अब मैं क्या करूं? शिवानी जी, आपको बुरा लगा क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं त्रिविक्रम, मैं नाराज नहीं हूँ। त्रिविक्रम, मैं एक्चुअली नो मोर टॉक्स। इस रोमांटिक मोमेंट को मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ, बातें करके इस मोमेंट को बोरिंग नहीं बनाना चाहता। त्रिविक्रम, वो क्या है ना? शिवानी जी प्लीज, पहले नेकलेस पहन लीजिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप पर कैसा दिखता है। जस्ट अ मिनट, मैं पहना देता हूँ। शिवानी जी, इससे पूछ रही है ये थोड़ी ना जवाब देगा। आइए, मैं आपको नेकलेस पहना देता हूं।
रविक्रम एक मिनट। हाँ, बेचारी सुंदरी को भूख लगी है शायद, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। रुकिए एक मिनट, हाँ उसे केक खिलाती हूँ। ये लो संतरी, केक खाओ। ये केक खाने के लिए ही तुम यहाँ तक आई हो ना, नटखट। शिवानी जी, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई हो या फिर इस कबूतर के साथ? त्रिविक्रम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके बुलाने पर ही तो मैं यहाँ तक आई हूँ ना। सॉरी। ठीक है, नेकलेस पहनाइए। आइए। अब मैं आपको नेकलेस पहना देता हूँ। मुझे शिवानी को हग करना है और उनके साथ रोमांस करना है। तुम्हें सुंदरी, क्यों अजीब सा बिहेव कर रही हो तुम? मैं भी ये कब से देख रहा हूं, ये हमें इरिटेट कर रही है। हम दोनों के बीच में जो कोई भी आएगा उसका यही हाल होगा, अल्टीमेटली उसे मरना ही होगा। डैम इट। छोटे मालिक हैं, इतनी रात का एस्टेट से जा रहे हैं? शिवानी का बर्थडे फिर एस्टेट में सेलिब्रेट किया होगा? मतलब शिवानी यहीं पर होगी? ओह, शिवानी से मिलता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या मैडम यहीं पे खड़ी हैं? मेरा वेट कर रही थी क्या? बर्थडे सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से किया है आपने। ये छोटे मालिक का आइडिया था ना? उन्हीं का हो सकता है। इस सेलिब्रेशन को देखकर आप मुझे भूल तो नहीं गई ना? किसी भी कारण से आप मुझे भूल तो नहीं सकती हैं। क्या है ना कि मेरा लव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हेलो हेलो मैडम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? शिवानी ये देखो जरा, गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। हे शिवानी, क्या हुआ? शिवानी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे रे शिवानी, ऐसा मत करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, बर्थडे पर कोई रोता है क्या? हा? शिवानी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बताओ ना क्या हुआ है। शिवानी, अरे रे भगवान, क्या हुआ है शिवानी को, रो क्यों रही है ये? हाँ
सुंदरी, ए सुंदरी, सुंदरी उठो, सुंदरी, ए सुंदरी, क्या हुआ है तुम्हें? सुंदरी, सुंदरी को क्या हुआ? ऐसे क्यों लेटी है? सुंदरी, ए सुंदरी, त्रिशूल, सुंदरी हमें छोड़कर चली गई, हमें छोड़कर चली गई। सुंदरी, अपनी अपनी आंखें खोलो, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया क्या? अपने दोस्त त्रिशूल को कैसे भूल गई तुम? नहीं, तुमने याद किया होगा लेकिन मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया, गलती मेरी है। मैं वहां होता तो तुम्हें कुछ होने नहीं देता। मेरी गलती है। नहीं त्रिशूल, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। मेरा यहाँ आना ही सबसे बड़ी गलती है। शिवानी, तुम्हारी सुंदरी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है त्रिशूल, हमारे अपने ही सुंदरी के साथ ऐसा करेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर देना सुंदरी, मुझे माफ कर देना। अगर मुझे पता होता तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है तो मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लाती ही नहीं, तुम्हें घर पर ही छोड़कर आती मैं। मेरा प्यार तुम्हारी मौत का कारण बन गया, बहुत प्यार करने वाले ने ही तुम्हें मार दिया। त्रिविक्रम ने ऐसा आकर क्यों किया? भला त्रिविक्रम को तुमसे क्या दुश्मनी थी? मुझे माफ कर दो सुंदरी। त्रिशूल, त्रिशूल, घर से बाहर थे, ये टाइम है घर आने का? कहाँ थे सारी रात? मुझे फिजूल बातें नहीं करनी, त्रिविक्रम कहाँ है? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो बेटा, और छोटे मालिक को उनके नाम से बुला रहे हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ? जो है पूछा उसका जवाब दो माँ, त्रिविक्रम कहाँ है? वो ऊपर अपने कमरे में सोए हैं। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, त्रिशूल, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, क्या हो गया? गधों की तरह चिल्ला रहे हो, वो भी सुबह सुबह। त्रिविक्रम कहाँ बाहर? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो, बात क्या है? ऐसी भी क्या बात है बता दो। त्रिविक्रम, त्रिशूल रुक जाओ, बात क्या है? त्रिविक्रम कहाँ बाहर आओ? त्रिशूल, पूरे घर
घर को सर पे क्यों उठा रखा है तुमने? सब सोए हुए, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? ये कैसा सवाल है मॉम? कॉमन सेंस शब्द का मतलब तक नहीं जानता होगा ये। ए त्रिविक्रम, जल्दी बाहर आओ। त्रिविक्रम, ए तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अपनी आवाज नीचे रखो। नीचे आ रहा हूँ, रुको।